मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मगर जहां मैं ब्यूटी की बात करती हूँ, जहां मैं रंग की बात करती हूँ, जहां मैं बालों की बात करती हूँ, तो आप लोग मुतवज्जा होते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो जो है बहुत नेक नियति से बनाई है, वो चीजें आपको बताई हैं जो आपके काम आएंगी। इसमें मैंने 5 बेस्टेस्ट रेमेडीज बताई है जो आपकी स्किन टोन को बेहतर करे और जो है आपकी स्किन को ग्लो करने में आपकी मदद करे। इसके साथ ही ये आपको कोई नुकसान नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की है फ्रैकल, पिगमेंटेशन, मलाजमा, ग्लोइंग स्किन, इन सारी चीजों को इन रेमेडीज में बताऊं और आपकी मदद करूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले है। सबसे पहली रेमेडी जो है वो है, आपने लेना है बेसन। बेसन आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच लेना है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा मैं जो भी रेमेडी बताऊं उसको आपने पहले जो है ना 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए बनाकर छोड़ना है। उसके बाद दूसरी मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ पिंच, मैं इसमें मलाठी डाल रही हूँ। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 15-20 मिनट के बाद छोड़ें। उसके बाद आप इसको पहले लगाएं, 15-20 मिनट के बाद दोबारा छोड़ें। छोड़ने के बाद फिर आप उसको हल्का सा स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद आप उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, रोज़ वाटर का बहुत सारा स्प्रे करना है। ये आप चाहें तो रोज़ाना भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़कर भी लगा सकते हैं। होममेड ट्रीटमेंट है फॉर ग्लोइंग स्किन। आपको पता है मलाठी एक्सट्रैक्ट जो है वो फेयरनेस क्रीम में डलती है, ग्लोइंग क्रीम में डलती है। तो ये है, देखें इस तरह का बन जाए तो उसको आप छोड़ दें। दही वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं दही का इस्तेमाल अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा करती हूँ और सीबक थॉर्न का। ये हो गई हमारी पहली रेमेडी। जो दूसरी रेमेडी है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, वो है घर से आप लेना है आटा, आपने लेना है। अगर चक्की का आटा ले रहे हैं तो छान लीजिएगा, क्योंकि जो उसका भूसी होता है वो आपके स्किन को, क्योंकि रैशेस ना डालें। आपने लेना है भरकर घर से 1 चम्मच व्हीट फ्लावर। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन के लिए। इसमें बहुत जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके स्किन को ग्लो करने में आपकी हेल्प करता है। इसकी हेल्प करता है दही, ठीक है। आप वैसे सिंपल दही का मसाज भी रोज़ कर लिया करें। अगेन मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, याद रखिएगा। जितनी आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ेंगे। आटा को दही के साथ छोड़ने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो आप लगाने से पहले थोड़ा सा दही इसमें मज़ीद मिला सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी रेमेडी। तीसरी रेमेडी, ये सारी रेमेडीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तीसरी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है। वो ये है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर और जो है एलोवेरा जेल, इनको मिक्स करके रख लेना है आप घर से भी। अगर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि आपने घर से किस तरह इसको मिक्स करना है, ये बहुत अच्छा विटामिन सी के सिरम की तरह बन जाएगा। लेकिन मकदार देख लीजिए, ये पूरी बॉटल है। इसमें मैं जो हूँ तकरीबन, ये देखें, 1
टीस्पून के करीब मैं इसमें एलोवेरा जेल में एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर रही हूँ, एक टीस्पून के करीब। ठीक है, आपकी रेमेडी तैयार हो गई। हाँ, अलबत्ता इसको धूप में लगाकर नहीं जाना। इसको दोबारा बंद कर दें, इसको मिक्स कर लें। आपके डार्क नकल्स होते हैं, आप उधर लगा सकते हैं। रुई की मदद से आप जो है इसको, जहाँ आपका मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, वहाँ पर रुई की मदद से आप लगाएं। पूरे चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको आपने इफ़ेक्टेड एरिया पे लगाना है। या आप ये रेमेडी कर रहे हैं तो ये हफ्ते में एक बार आप पूरे चेहरे पर कर सकते हैं। ये थी हमारी थर्ड रेमेडी। मेरी जो चौथी रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो पिकनिक पे जाते एकदम से टैन होके आ जाते। मेरी बेटी भी जब स्विमिंग करती थी, स्विमर्स होते हैं, तो जब मेरी बेटी स्विमिंग करती थी तो उसका कलर भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाता था। तो मैं हफ्ते में दो बार ये लाजमी उसको लगाती थी। आप लोग भी सीखिए, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने क्या करना है, कॉफ़ी लेना, नेस्कैफे ले लीजिएगा, कॉफ़ी सही मगर इंस्टेंट वाली नहीं लेना। एक चम्मच आपने कॉफ़ी लिया है, एक लीमू पूरा अच्छी तरीके से जूसी लीमू इसमें निचोड़ेंगे आप। बीज नहीं जाने चाहिए, यहाँ पर बीज जा रहे हैं, उसको उनको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, बीज निकालने के बाद इसमें दही और शहद ऐड करूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा जो है ये बन जाएगा। इसको लगाने के तरीके भी मैं आपको बता दूँगी। आप इसको क्रीम की तरह भी लगा सकते हैं, आप इसको मास्क की तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये निकाल दिए। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच भर कर दही और इनको मिक्स कर लूँगी। आप इसको जहाँ टैन हो गया डार्कर पार्ट से, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स डार्क होते हैं मगर उसमें कोई आपको वुंड ना हो, सही ड्राई स्किन ना हो, तो आप ये आराम से उस पर लगा सकते हैं। पहले इसको बनाइएगा, इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अरे, एक और इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला है, ठीक है, वो है इसमें जाएगा शहद, ये भी एक चम्मच जाएगा। फिर इनको मिक्स कर लीजिए। अब जो है इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मैं इसमें थोड़ा सा शहद और डालूँगी, इसकी शक्ल जैसे क्रीमी शक्ल भी मैं आपको बताऊँगी, जैसे क्रीम बन जाए, सही है। इसको एक से दो लेयर लगाकर आप रखें, इसको ब्लेंड कर लिया करें ब्लेंडर में डाल के, तो बड़ी अच्छी क्रीमी शक्ल बन जाती है। ठीक है, मैं आपको इधर इसको ब्लेंड करके इसकी शक्ल बताती हूँ। एक एक आज़ा आपस में मिक्स हो जाना चाहिए तो ये बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाती है। ठीक है, ये देखें, ये हमने, ये देखें, ये शक्ल बन गई। हर चीज़ आपस में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो गई है, सब यकजा हो गए। अब इसको आपने ना एक से दो दफ़ा रीअप्लाई करना है, रीअप्लाई कर, देखें ये बन गई इसकी शक्ल। मैं आपको चम्मच से उठा के दिखाती हूँ, ये देखें, मगर याद रखिए ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि लाइम है इसमें। ड्राई स्किन वाले हैं तो शहद और कॉफ़ी मिक्स करके कर लें, दही और आपने नींबू नहीं डालना। ठीक है, तो ये हमारी हो गई चौथी रेमेडी। पांचवी जो रेमेडी है, जो वो भी इंस्टेंट ग्लो देने में आपकी मदद करती है, वो भी आप रोज़ाना कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, आपको पता है पोटैटो, सबको पता है कि पोटैटो कितना अच्छा वाइटनिंग एजेंट है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे चॉप कर ली, चॉप किया है, अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। सही है, इसको ब्लेंड करूँगी किसके साथ, दही के साथ। आपकी रेमेडी तैयार हो गई। इसको अच्छी तरीके से आपने करना क्या है, बस ये क्रीम आप एज ए नाइट क्रीम लगाकर सो भी सकते हैं। पहले आप इसको लगाएं, लेफ़्ट ओवर्स जो हैं उसको आप जो जैसे फोक वगैरह है तो उसको हटा दें और ये सुबह चेहरा धो लें, एक नया निखार का। आपको फूक हटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप छान लें। ठीक है, जब आप छान लेंगे तो आपकी क्रीम जो है आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप दही आपने कितना लेना है, अगर आपने दो चम्मच दही लिया है तो आपने जो पोटैटो जो आपने
वो किया है, तकरीबन एक पोटैटो जो है, छोटा पोटैटो है तो उसमें 2 चम्मच दही, अगर बड़ा पोटैटो है तो सब, ये हम वजन ही है, इस तरह इसको समझ लें, ठीक है। अच्छा, ये फेंकेगा नहीं, ये चीज़ फेंकेगा नहीं, इससे स्क्रबिंग कीजिए, जब बच्चे क्रॉलिंग करते हैं उनकी स्क्रबिंग कीजिए, आपके डार्क नकल्स हैं तो इस तरह, जैसे ये डार्क नकल्स है तो डार्क नकल्स पे आप इसकी स्क्रबिंग कीजिए, तो ये भी फेंकने के लिए नहीं है। और जो आपकी क्रीम तैयार हुई है, जो लोशन की तरह तैयार हुआ है, वो आप रात को जो है सोने से पहले लगा लें, ठीक है। ये वैसे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है तो मैं आपको लगा के बता देती हूँ, हालांकि मैंने मेकअप किया हुआ, ये देखें ये क्रीम इस तरह करके आप पूरे चेहरे पे अच्छी तरह लगा लें, पूरे चेहरे पे अच्छी तरीके से लगाएंगे, और फिर आप जो है इसको जो है ना सुबह वॉश करें, तो आप देखेंगे एज ए नाइट क्रीम इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपके काम आती हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में आपकी मदद करती हैं, क्योंकि मैं भी इसी नीयत से अपने वीडियोस बनाती हूँ। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।